हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं TVS के सर्विस सेंटर। तो मेरी बाइक में एक प्रॉब्लम आ रही है और इसका मुझे पहले नहीं पता था, अभी पता लगा है। तो मेरे बाइक का जो हैंडल है वो एक साइड को जा रहा है और मुझे ये पता नहीं चला। जब मैं हाथ छोड़ के चला रहा था तो मुझे लगा मेरा बैलेंस सही नहीं है, इस वजह से ये एक साइड को जा रही है। बट मैंने दूसरी बाइक जब चलाई तब मुझे पता लगा कि जो बाइक है एक साइड को पुल कर रही है, राइट साइड को। तो वही आज चेक कराने जाना है। तो इसमें हैंडल पुलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। मान लो मैंने छोड़ी बाइक, देखो राइट साइड को जा रही बाइक, राइट साइड को जा रही बाइक, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। भगाया ये छोड़ा, ये देखो राइट साइड को जा रही, तो ये प्रॉब्लम आ रही है हैंडल पुलिंग की। तो यही मैंने कंप्लेंट डाली थी। तो आज मुझे कॉल आई थी TVS लुधियाना से और मैं सोच रहा था कि लुधियाना जाऊंगा तो काफ़ी टाइम मेरा ख़राब होगा, तो मैंने सोचा एक बार TVS खन्ना से मैं चेक करा लेता हूँ, अगर वो लोग ठीक कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा लुधियाना। तो अभी TVS के शोरूम हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ ठीक हो पाता कि नहीं। ये नया पुल बन चुका है, और अभी इधर को ही जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता पूरा प्रॉपर हुआ नहीं अभी तैयार। और सामने गूगल मैप वाली गाड़ी खड़ी है, वाह फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। जो रोड का व्यू मिलता है ना वो इसी गूगल मैप वाली गाड़ी से मिलता है। और संडे राइड करके आए थे, मज़ा आ गया था। तीन हायाबुसा ZX10 और सारी बाइक्स देख ली भाई। अभी बाइक में एग्जॉस्ट भी लगवाने को सोच रहा हूँ मैं, एक दो महीने तक एग्जॉस्ट भी इसका लगवा लेंगे। RC इस बाइक की जो नहीं बनी थी वो भी बन के आ चुकी है। अब मेरे पास RC इंश्योरेंस और पोल्यूशन तीनों है। लर्निंग का लाइसेंस रह गया है, कल परसों डॉक्यूमेंट लेके RTO जाना है हम लोग, वो काम भी हम करवा लेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट से हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे हमेशा चेकिंग लगी रहती है। इतनी गर्मी में इंजन भी गर्म हो गया पूरा, प्रॉपर कारों की यहाँ पे चेकिंग होती है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं TVS। ऐसे ना हैंडल पुलिंग दी इशू आ रही है, हैंडल ना राइट साइड नहीं जा रहा है, इतने नहीं होना ये जंप जुंप होता ना कितने उतने आवाज आती है। तो यहाँ पे ठीक नहीं होगा, चेक करवाया मैंने और इनके पास इंजीनियर नहीं है जो इस बाइक को ठीक कर पाए। यही प्रॉब्लम रहता है प्रीमियम बाइक लेने का, सर्विस है नहीं यहाँ पे। अब मुझे लुधियाना जाना पड़ेगा और देखता हूँ टाइम निकाल के जाना पड़ेगा क्योंकि लुधियाना जाने का मतलब पूरा दिन। देखते हैं इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में फिर लुधियाना जाऊँगा। तो अभी यहाँ से मैं आगे से मुड़ के वापस चलता हूँ। ये अप्रैल में इतनी गर्मी हो रही है, आगे चल के तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, हालत ख़राब हो जाया करेगी। और टाइम कितना, 4:30 हो रहा है, देखो कितनी धूप, तेज़ धूप है। ये सब मौसम में तो 5 बजे के बाद ही राइड होगा। अभी मैंने राइडिंग जैकेट भी नहीं पहनी इसी वजह से क्योंकि इतनी गर्मी है। एक तो गर्मी, ऊपर से इंजन भी और ज़्यादा हीट हो रहा है, पैरों में पूरी हीट पता लग रही है।
तो अभी मैं घर आ चुका हूँ वापस। तो आज काम तो हो नहीं पाया जो करवाने गए थे, दोबारा लुधियाना जाना पड़ेगा। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू एंड गुड बाय।